ये तो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन आने वाले समय में जो भी घटनाक्रम सामने आएगा, खासकर दिल्ली के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, कांग्रेस पार्टी पूरी तरह तैयार है। जो भी आने वाले समय में होगा मैं नहीं जानता हूँ, क्योंकि बहुत अस्थिरता हो सकती है। केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य सरकार क्या करेगी, एलजी महोदय क्या करेंगे, मैं नहीं कह सकता हूँ। लेकिन जो कुछ भी होगा, कांग्रेस पार्टी हर चुनौती के लिए तैयार है और हम हर चुनौती का मुकाबला डटकर करेंगे और कामयाबी से करेंगे। मैं बहुत नंदनीय है, भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री बिट्टू जी ने जिस भाषा का प्रयोग किया राहुल जी के खिलाफ, मुझे लगता है कि वो शोभा नहीं देता। उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, उनके दल को माफ़ी मांगनी चाहिए, और क्योंकि वो केंद्र के मंत्री हैं तो भारत सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष के खिलाफ इतनी ऊंची भाषा का प्रयोग करना कतई किसी रूप में भी सही नहीं है, और मुझे लगता है कि ये जानबूझ के किया गया, क्योंकि नए नए भाजपा में गए हैं तो अपनी वफादारी साबित करने के लिए उनको सब बातें भूलनी पड़ती होंगी राहुल जी के बारे में, लेकिन ये बहुत गलत है। उनको तत्काल माफ़ी मांगनी चाहिए। उसके बाद एक शिवसेना के विधायक हैं, उन्होंने राहुल जी को धमकी दी है। एक भाजपा के दिल्ली के नेता हैं, मारवाजी शायद नाम है उनका, उन्होंने उनको जान से मारने की धमकी दी है। मतलब इस राजनीति में आप भाजपा अगर बैकफुट पर आ रही है, बीजेपी पिछड़ रही है चुनाव प्रचार में हरियाणा में, जम्मू कश्मीर में, और वो हर जगह अपने आप को कांग्रेस से पीछे पाती है, तो बौखलाहट में उनको राहुल जी को टारगेट करने के अलावा कोई विकल्प बचता नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये तो कहीं ना कहीं उनके अंदर जो राजनीतिक कमजोरी आई है 24 जून के चुनाव के परिणाम के बाद, कि बैसाखियों पे सरकार को वो चला रहे हैं, तो अपनी भड़ास निकालने के लिए नेताओं को बोला गया है कि राहुल जी को भला बुरा कहो। लेकिन मैं मानता हूँ जितना आप कांग्रेस पार्टी को कोसोगे, राहुल गांधी जी को गालियाँ दोगे, उनको कोसोगे, उतना हम मजबूत होकर आगे निकलेंगे। अपने संकल्प में, अपनी दिशा में हम बदलाव नहीं रखेंगे। संसद के अंदर, संसद के बाहर जवाबदेही तय करेंगे। हरियाणा में हमारी एक तरफा हवा चल रही है, पूरे बहुमत के साथ सरकार हम लोग बनाएंगे, इंडिया लाइन की सरकार बनेगी जम्मू कश्मीर के अंदर, और जिन दो राज्यों में केंद्र सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती थी वहाँ भी चुनाव होंगे, झारखंड महाराष्ट्र, दोनों जगह कांग्रेस इंडिया लाइन की सरकार बनेगी। सरकार पूरी तरह फेल है, मैं मानता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है, कई सारे सत्ता के केंद्र बन गए हैं, कौन सरकार में है कौन नहीं है इसमें असमंजस है, और संगठन कुछ बोलता है, सरकार कुछ बोलती है। 10 महीने का अल्प समय है, और लोकसभा में जो कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस रहा उसको देखकर कहीं ना कहीं भाजपा के अंदर भी हताशा है, और जिस प्रकार का काम सरकार को करना चाहिए, विकास का, ग्रामीण विकास क्षेत्र में होना चाहिए, बिजली पानी का, वो कर नहीं पा रहे हैं। और लॉ एंड ऑर्डर देखिए आप, जोधपुर में 4-4, 5-5 बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं के साथ दुष्कर्म हो रहा है, उसको संभालने का अलवर के पास भिवाड़ी में वहाँ आतंकियों का जो एक ट्रेनिंग सेंटर पाया गया, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर को जो स्टेट सब्जेक्ट होता है उसको सरकार ढंग से इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रही है, और मुझे लगता है कि सरकार को तुरंत प्रभाव से आदेशित करना चाहिए अधिकारियों को और मंत्रियों को कि लॉ एंड ऑर्डर, लोकल एरिया डेवलपमेंट और जनता के विकास पर ध्यान देना चाहिए। सर डोटासरा जी अब विपक्ष के लोगों को अपना साधु बना रिश्ता जोड़ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी विपक्ष में है और हम लोगों ने हमेशा एक सक्रिय विपक्ष की भूमिका निभाई है। हम लोग सरकार को की जवाबदेही तय करते हैं सदन के अंदर, सदन के बाहर। अगर सरकार काम नहीं करेगी, सरकार के खुद के विधायक उनका सरकार का विरोध करते हैं, इसमें कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कांग्रेस पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम कर रही है, हमारे तमाम नेता एकजुटता से काम कर रहे हैं, जवाबदेही तय करेंगे, सरकार को मजबूर कराएंगे कि विकास के कामों को कराएं। जो हमारे कार्यकाल में हम काम छोड़ गए थे उनको मैंने रोक दिया है, तो कहीं ना कहीं द्वेष की भावना से वो काम कर रहे हैं।